बैक टू अनदर वीडियो। आप एक और नई वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे। एक्चुअली आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू रहने वाला है सस्पेंशन को लेके। मैंने एक्चुअली मैंने सस्पेंशन में अपग्रेड करवाया है जो कि है राइनो प्रो का शॉक एब्जॉर्बर। बेसिकली आप देखते हो जिप्सी में कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग ही यूज़ होती है, तो थोड़ा बहुत उसमें जर्क राइडिंग के दौरान होता है क्योंकि झटके लगते हैं। ऑब्वियसली उसमें लीफ स्प्रिंग है तो उसमें थोड़ा सा राइड अनकंफर्टेबल हो जाती है। कुछ कंफर्ट को लेके थोड़ा मेरा इशू था कि भाई जिप्सी में ऑलमोस्ट आप जानते हो कि कंफर्ट नहीं होता है। काफ़ी सर्च किया तो मुझे एक कंपनी मिली, मुझे राइनो प्रो करके, जो शॉक एब्जॉर्बर बनाती है मोस्टली 4x4 व्हीकल्स के लिए। तो राइनो प्रो के शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। प्लस किलोमीटर्स की बात करें तो किलोमीटर्स 25,000 से 30,000 किलोमीटर मैंने इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सस्पेंशन जो है राइनो प्रो का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक और एड ऑन है। मैंने इसके बुश किट है, जो बुश यहाँ पे लगते हैं और यहाँ पे लगते हैं सपोर्ट रॉड के, तो कंप्लीट बुश किट भी मैंने राइनो प्रो से ही मंगवाई है। तो आप देख सकते हैं ये जो लिफ्ट किट है, ये बेसिकली इसको बोला जाता है शैकल। तो इससे क्या होता क्या है, इससे कि 2 इंच जो है इसकी जो गाड़ी की जो हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। एक्चुअली जहाँ पे मैं जाता हूँ अपने फार्म में जाता हूँ, वहाँ पे रोड हाल ही में अभी कंस्ट्रक्शन में ही था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ पे इशू क्या आता था मेरे को, एक्चुअली इसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है बट वहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो इस करके जो है गाड़ी नीचे बच जाती थी, स्पेशली जो पीछे फुट रेस्ट है जो अंदर चढ़ने के लिए होता है, तो उससे वो चीज़ बैंड हुई है। तो उससे क्या होता था कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी नीचे बज रही थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें फुट स्टेप यहाँ से अंदर चढ़ने के लिए होता है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे जो ये हिट हुआ है, ये कहीं ना कहीं नीचे हिट हुआ है और यहाँ पे देखो क्रैक आ गया हुआ इसमें। तो बेसिकली मेरे अपग्रेड करने का यही रीज़न था क्योंकि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए थी, तो दैट्स वाई मैंने जो है ये शैकल्स को अपग्रेड किया। तो शॉकर्स के बारे में कुछ और भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, मतलब बेसिकली अब शॉकर तो लगवा दिए मैंने, तो इम्प्रूवमेंट क्या हुई है इसमें कि जब भी मतलब एक तो हैंडलिंग अच्छी हो गई है क्योंकि शॉकर्स पे जो है प्रॉपरली वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रॉपरली वो जो है ऑसिलेशन को अब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती है, स्टेयरिंग की फीडबैक भी अच्छी हो जाती है, तो उससे राइड तो ऑब्वियसली राइड तो होगी ही अच्छी। तो जो शॉक एब्जॉर्बर की मैं बात कर रहा था, राइनो प्रो का शॉक एब्जॉर्बर है, जो वो शॉक एब्जॉर्बर जो स्टॉक वाला है जिप्सी का, उससे लेंथ उसकी ज़्यादा है, प्लस उसका जो डायमीटर है ना, उसका जो अंदर जो पिस्टन होता है उसका बोर है वो भी ज़्यादा है। आप शॉकर्स देख सकते हो किस तरह से इसकी प्लेसमेंट हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ अल्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो स्टॉक जो सेटअप होता है, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हो कि प्लग एंड प्ले वाला काम है, जैसे ही दूसरा शॉकर आप निकालते हो वैसे ही ये लग जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप देख सकते हो मैंने ये टो हुक है जो कि आर्मी की गाड़ियों में लग के आता है, तो मैंने ये भी अलग से मंगवाया था। ये प्रॉपर ये जो चस्सी में लगते हैं दोनों साइड, इसके 4 नट बोल्ट्स होते हैं, ये प्रॉपर ये चस्सी में लगा होता है। तो ये मैंने स्टिकर ना, इस स्टिकर के पीछे एक कहानी है। एक्चुअली ये स्टिकर मैंने 2 साल पहले ले लिया था जब मैंने जिप्सी ली भी नहीं थी, तो मेरे को इतना शौक था जिप्सी का, तो एक शॉप में मेरे को ये मिल गया था, डोंट टच माई जिप्सी, जस्ट एक शौकिया तौर पर है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके टायर्स के बारे में। तो टायर्स मैंने इसमें जो यूज़ किया, आप इसके पहले ट्रैड पैटर्न देख सकते हैं आप, इसके ये ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो अभी भी आप इस टायर की कंडीशन देख सकते हो, अभी काफ़ी इसमें ट्रेड बचे हैं। तो जो इसके जो मैं टायर जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ BF गुडरिच, ये मैंने डलवाए थे 2019 में आई थिंक। तो ये आप देख सकते हैं मेड इन USA है ये टायर, बेसिकली ये ऑल टेरेन टायर है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा है ऑल टेरेन 80 K2O। तो इसमें जो है ट्रैक्शन आप देख सकते हैं, ये M+S मड प्लस स्नो, यहाँ पे स्नो की आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सिंबल स्नो का ये लगाया है, और
एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इसकी जो टायर की प्रोफाइल है वो है 215/75 R15। तो ये जो टायर है ये है 6 ply का, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे PR मतलब प्लाई रेटिंग इसमें 6 की है, तो 6 ply का टायर। तो आप इसकी साइड वॉल भी देख सकते हो, जब इसमें इस तरह का जब ये मतलब कहीं रॉकी टेरेन पे होता है, जैसे मतलब पत्थरों के बीच जब चलती है ना गाड़ी, तो सबसे ज़्यादा जो है इशू आते हैं साइड कट के। तो आप इसकी देख सकते हो ये जो साइड वॉल पे ये जो ये ट्रैक दिए हुए हैं ना, ये उसी लिए दिया है कि ताकि इसमें कट ना लगे। तो इसमें जो है हवा मैंने रखी होती, मतलब जो टायर प्रेशर है मैंने रखा होता है 20 PSI, मतलब 20 pound। तो अब बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशंस की जो मैंने इसमें करी है, जो कि स्टॉक में जैसे इसमें 60-55 watt जो यूज़ होता है, जो इसकी ट्यूब होती है ना अंदर, तो वो 60-55 watt की यूज़ होती है। उसमें मैंने अपग्रेड करा था 100-130 watt का जो है फिलिप्स का यूज़ किया था विद वायरिंग हार्नेस, मतलब रिले भी इसमें मैंने डलवाई है। बेसिकली उसमें क्या हो गया था कि उसमें था कि टॉक वाली जो लाइट होती है वो होती है प्लास्टिक की हाउजिंग, उससे क्या हो गया कि भाई जब हीट ज़्यादा जनरेट हो रही थी तो वो सारा पिघल गया था पीछे से। तो मैंने क्या इसमें एक और अपग्रेड क्या किया है, इसमें ये जो लाइट आप देख रहे हो ये हेला की है, जो हेला के H4 करके जो आती है ना, यहाँ आप देख सकते हो H4 और ये हेला। और अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा नीचे से, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन ऑस्ट्रिया, यहाँ आप देख पा रहे हो। से मैं यही लाइट यूज़ कर रहा हूँ और इसका लाइट का जो फोकस है, विजिबिलिटी है रात को बहुत ज़्यादा अच्छी है। करते इसके इंटीरियर को लेके मैंने इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने इसको ज़्यादा गाड़ी को स्टॉक ही रखा है। तो मेजर चेंजेस क्या है इसमें कि मैंने इसकी सीट्स चेंज करवाई है, तो मुझे चाहिए थी बेसिकली आर्म रेस्ट वाली। तो इस सीट के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सीट है इनोवा कैप्टन सीट्स, तो वो सीट्स है। इसके लिए बहुत मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ी इसमें, मतलब नीचे के जो चैनल्स है, ये वाली तो सेम सेटअप पे ही हमने मॉडिफाई करके बिठा दी थी। बट इसके लिए क्या हो रहा था कि इस सीट को मैच करने के लिए ये 4 inch का, आई थिंक 3 या 4 inch का है ये, तो इसको मतलब इस सीट के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, आप यहाँ भी देख सकते हो इसके मतलब इक्व, ताकि ये सीट ना इक्वल लगे, तो इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत ये ट्रिमिंग एंड ऑल्ट्रेशन करी है इसमें। तो अब बात करते हैं इसकी रियर वाली सीट के सेटअप की, जो कि वो भी मैंने चेंज करी है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इसमें साइड फेसिंग सीट्स होती है, उसको मॉडिफाई करके मैंने जो है फ्रंट फेसिंग सीट कर दिया है। साथ ही साथ इसमें रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स, आप इसमें आप बॉटल भी रख सकते हो। ये सीट जो है इनोवा की ही है, सबसे लास्ट रो वाली सीट है ये। ये वाला सोफ़ा आप देख पा रहे हो, ये पूरा सोफ़ा है, बट ये दूसरी साइड वाला जो सोफ़ा है ये हमने ट्रिम करा है। इसमें ज़रूरत पड़ती क्योंकि ये इसकी विड्थ कम है, तो मैंने इसमें सबसे लास्ट रो वाली सीट जो है इनोवा की यूज़ की है, जो कि कंफर्टेबल तो है ही है, मतलब फ्रंट फेसिंग है और कंफर्टेबल है। सीट कवर के बारे में बता देता हूँ आपको, तो इसके जो सीट कवर्स हैं, सीट कवर्स आप देख सकते हो, बकेट फिट सीट कवर है ये इसके, तो ये भी हमारे नाटा जी ने ही करके दिया है। तो काम इतना सुपर करते हैं ना, मतलब अभी तक आप देख सकते हो कहीं भी रिंकल्स नहीं है इस सीट कवर में, चाहे पीछे चाहे आगे, तो फिटिंग के मामले में बहुत गजब फिटिंग की है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसमें करवाई है ये आप देख सकते हो, ये है डैम्पिंग शीट्स, बेसिकली साउंड डैम्पिंग के लिए होती है। मैंने यहाँ पे और इन डोर्स में, दोनों डोर्स में ये करवाई है, प्लस यहाँ पे भी करवाई है, फ्लोर में यहाँ तक इसका फ्लोर जो है इसका डैम्प करा है मैंने, लगवाया इसमें सेंटर लॉक सिस्टम, क्योंकि ये लॉक नहीं है, मतलब चाबी से खोल के इसमें उस साइड से नहीं एक्सेस हो सकते, तो इसीलिए मैंने इसमें जो है रिमोट सेंटर लॉकिंग लगवाई है। सेंटर लॉकिंग और ये पावर विंडोज़ मैंने लगवाई है क्रॉस लिंक व्हील्स की, जो कि अच्छे से काम कर रही है, अच्छी खासी काम कर रही है, तो आप देख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ मैंने करवाई है, जब भी अगर कभी ऐसे ये आदि खुली रहे, अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो आप देख सकते हो शीशा अपने आप ही चढ़ जाता है। तो इसका जिप्सी का जितना भी काम है मैं करवाता हूँ अपने फ्रेंड से, उनका नाम है नाटक
कार केयर करके जो शॉप है, कुशल नाटा जी की ये शॉप है, तो मैं मैक्सिमम इसका गाड़ी का मैक्सिमम काम मैंने वहीं से ही करवाया है। तो गाड़ी ऑलमोस्ट 46,243 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें मैंने जो है इसके मीटर की लाइट्स भी चेंज करी है, जो कि करी है वाइट लाइट, जिसमें मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, उस राम का बल्ब आता है इसका, तो मैंने इसमें मीटर में भी ये चेंज करा है। बट दो ही चीज़ें चेंज करी है, क्योंकि जो ये वाली लाइट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4WD की लाइट या फिर ये वाली लाइट, ये तो जो स्टॉक वाली होती है वो ही है। बस इसमें मैंने दो ही बल्ब इसमें यूज चेंज करे, एक ये वाला एक ये वाला। तो ऑलमोस्ट मैंने शायद से सारी चीज़ें इसमें आपको बता दिया है कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपने पूछना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आज की जो ये वीडियो थी थोड़ी गाड़ी से रिलेटेड थी, तो आई होप ये सब आपको वीडियो में के ज़रिए आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने गाड़ी में अपने क्या क्या चीज़ इसमें मॉडिफाई करवाई है और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डलवाई है। अगर आप और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें। स्टे सेफ, हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करें। बाय बाय।